आज बनाएंगे हम चावल की मिठाई। चावल हमने पहले से पीस के रखे हैं। ये 1 कप से कम भरा है। ये चावल का आटा है और ये 1 कप शक्कर ली है और 3 चीजों से बनाएंगे मिठाई। और ये लिया है खोपरा बूरा पिसावा। ये डालेंगे हम देसी घी के। 1 चम्मच घी डाला और ये 2 चम्मच घी में हमें इसको थोड़ा थोड़ा राउंड सेकेंगे, मतलब हल्का इसका सफेद कलर है, थोड़ा कलर ऐसा रह जाए। हल्का हल्का सेकना है, धीमी धीमी आंच पे इसको सेक लेंगे थोड़ा। फिर बनाएंगे हम इसकी मिठाई, देखना कितनी अच्छी बनेगी। देखो ये सिक्के तैयार है, बिल्कुल सफेद कलर था। अब देखो हल्का कलर बन गया। ज्यादा नहीं भूंजना है, थोड़ा ही थोड़ा सेकना है। इसके हम बाहर निकालेंगे इसको। फिर चाशनी बनाने के लिए हमने 1 कप पानी डाला और 2 कप पानी डालेंगे। ये 2 कप में चाशनी बनाएंगे। आप किसी का नाप ले सकते हो, हमने कप का नाप लिया है। जी शक्कर हमने पहले से बताई थी आपको, पहले ही नाप कर रख ली थी। अब हम शक्कर इसमें डालेंगे चाशनी बनाने के लिए। जी बनाएगी हमारी चाशनी। देखो इस तरह से चाशनी बनाना है, मतलब न कट्टी ज्यादा, बस थोड़ी चिपचिपी बनाना है। देखो ऐसी हाथ से चिपचिपाने लग गई। देख ऐसे थोड़ा थोड़ा तार जी आ रहा है। इस तरह की चाशनी बनाना है, न मावा न दूध, और झटपट बनाना है ये। अब हम इसमें ये सेक के रखा था वो डालेंगे हम गेहूं को। आटा डाल दिया है हम इसमें और अच्छी तरह से इसमें मिलाएंगे। धीरे धीरे इस गुठली इसमें पहले थोड़ी थोड़ी ऐसे हिलाते जाएंगे और इसमें ही एक मैंने आपको खोपरा बूरा बताया था वो डाल करेंगे। देखो ये चाशनी और चावल का आटा सेको तो वो सही बिल्कुल एक जैसा है। देखो और अब इसमें हम डालेंगे ये खोपरा बूरा। ये आपको बताया जाता है पहले से, थोड़े थोड़े से डालना है, एक साथ नहीं डालना है। तो क्या है इसकी सही मिल जाएगी। ये थोड़ा सा इलायची पाउडर है और नहीं तो आपका वेनीला हो तो वेनीला भी डाल सकते हैं। हमने इलायची बन के तैयार है। अब हम इसको ठंडी करने को रखेंगे। चलिए अब ठंडी करने को ले चलते हैं। ये इसमें घी लगाएंगे प्लेट नंबर, ये घी लगा दो। अब इसमें ठंडी करने को रखेंगे। ये बादाम काट के रखे हैं। अब थोड़े इसको बादाम समय इनको तैयार करेंगे। तो ये बनके तैयार है चावल की मिठाई। आप भी बनाइए और खाइए।